Hey, what's going on, guys? This is Harsh Ahuja today. This video, this vlog, we are not ready with you guys. So, in today's video, I know, मेरे बाल के वजह से मैं थोड़ा गंदा दिख रहा हूँ, बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ. लेकिन अब mom dad बोलते हैं बाल काट ले तो ये सीन हो जाता है. So, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोग को स्पाइडर आर्टिल लिमिटेड के बारे में. मतलब इन शॉर्ट मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे नहीं मिला. एंड जो भी मुझे मिला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. एंड मैं आप लोग को उतनी चीजें बता सकता हूँ जो जितनी चीजें मुझे पता है, जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस गाड़ी के बारे में. मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये वन एंड ओनली रजिस्टर्ड है इंडिया में, वन एंड ओनली रजिस्टर्ड इन इंडिया. एंड ये बिलोंग करती है सैम भाई को, तो ये सैम भाई को बिलोंग करती है. एंड सैम भाई मैन इज रियली वेरी गुड पर्सन. मतलब सैम भाई को देख के लगता है इनका एटीट्यूड, इनका ईगो मतलब पहाड़ पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. सैम भाई दिल के बहुत अच्छे हैं. मतलब उनके वजह से ये व्लॉग हो पा रहा है एंड ये सेपरेट वीडियो बन रही है. एंड ऑल इवेंट की बात करते हैं, तो इवेंट हो रहा है वाशी में, हो रहा था वाशी में. फादर एंगल्स ने प्रोवाइड किया था. अब वो एक कॉलेज है, तो वो इवेंट के बारे में बात करते हैं. मैं आप लोग को और भी तीन चार चीजें बताता हूँ. मतलब बहुत सारी बाइक आई हुई थी, इतनी सारी बाइक आई हुई थी कि पूछो मत. उनमें से मेरी फेवरेट चॉपर, देन बूसा तो ऑब्वियसली सबकी फेवरेट होती है, एंड बेनेली 600 आए. ऐसी वैसी नहीं, डूम्सडे की बेनेली 600 आए. तो तुम लोग को इस अगर वो सब वो वाला वीडियो देखना है तो मैंने लास्ट वीक ही उसे अपलोड मारा था, देख सकते हो आप लोग. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, नहीं तो आई बटन में आ रहा होगा. तो सैम भाई के बारे में बता दूं, उनके पास दो गाड़ी, एक तो ये हमारी वन एंड ओनली रजिस्टर्ड इंडिया में है, और दूसरी है कावासाकी H2. अगर आप लोग को इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए जो सैम भाई ने इस वीडियो में नहीं दी, और या फिर मैंने इस वीडियो में नहीं दी, तो आप लोग जेस फिल्म्स के वीडियो में देख सकते हो, बिकॉज उन्होंने अच्छी खासी मतलब इन्फॉर्मेशन लेके डाल दी है. तो उन्होंने जो फ्रैप किया हुआ है एंड लाइटिंग्स जो है उनके गाड़ी पे, वो सब उनके वीडियो में, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप देख सकते हो. एंड सिनेमेटिक शॉट्स वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हैं. तो या एंड अगर आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन है मुझसे, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो ये वाले अकाउंट पे. ये मेरा मेन अकाउंट है इंस्टाग्राम का, एंड मैं वहां पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहता था, अब थोड़ा सा कम हूँ, बट एक्टिव हो तो यू कैन सेंड मी एनी क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट. एंड इस पर भी फॉलो करो, ये एंटॉक का पेज है जो मेरे खुद हैंडल करता हूँ. Let's continue towards video. मैं आप लोगों को मिलता हूँ इवेंट में. वन एंड इंडिया रजिस्टर्ड है गाड़ी, आरटी लिमिटेड. और इसके बारे में जितने भी मतलब अभी तो मुझे तो उसके बारे में A to Z कुछ भी नहीं पता होगा, लिटरली जितना सैम भाई को पता है. सो जो भी अभी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब सैम भाई से आप ले सकते हो. इंस्टाग्राम उनका आईडी यहाँ पर आ रहा है, एंड इंस्टाग्राम पे इन्हों फॉलो करो. मतलब सिर्फ 5000 फॉलोवर्स है, अगर आप इनको मैसेज भेजोगे तो मैसेज का रिप्लाई कर दोगे. तो मतलब बस बात खत्म वहां पर ही, जाओ जाके फॉलो करो. एंड अभी बाकी जो मैं गाड़ी के बारे में इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, एंड आप वीडियो देखते रहे हो, देख लो. मतलब जो किसी को नहीं पता वो सब बता दो इसके बारे में. तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें क्लच नहीं है, ऑटोमेटिक पैडल शिफ्टर गियर है. ये देखिए आप, बहुत से ये पैडल शिफ्टर गियर है, इसमें ऑटोमेटिक है फुली, म्यूजिक सिस्टम है इसमें, दो स्पीकर्स आगे हैं, दो पीछे हैं, और इसमें दो सस्पेंशन है पीछे. एक मोनो सस्पेंशन है, एक एयर सस्पेंशन है इसमें. ये देखो कितना मुलायम है. तो मतलब अगर 80 एज में भी कोई रहेगा तो वो तो आराम से लदा से. तो और तीनों ब्रेक का कंट्रोल है वो पैरों में, मतलब यहाँ पे भी आपको हैंड पे नहीं मिलेगा ब्रेक. स्टोरेज की बात करें, अगर आप लंबा घूमना चाहते हैं तो ये देखिए, आगे से लैम्बोर्गिनी है ये,
मतलब तीनों तीनों पीछे भी तीन है और आगे एक है, तीन आगे एक, मतलब आपको कोई लगेज का झंझट नहीं है, आप कितना भी लगेज रख सकते हैं आप फ्रंट में, आप इसे देखेंगे अंदर तक, मतलब स्पेस भी ज्यादा लैम्बो की नहीं आगे से। सीट है इसकी, ग्रिप भी हीटेड है। हाँ जी, और इसका स्टीयरिंग अपने आप पावर स्टीयरिंग हो जाता है स्टार्ट करते ही, तो विंडशील्ड भी अप एंड डाउन होती है। ओके, मतलब ऊपर तक खुल जाती है। तो आप कितना किलोमीटर चला चुके हो अभी तक? मैं बैंगलोर से नॉन स्टॉप आया हूँ 1000 किलोमीटर। बैंगलोर से नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर, सही है। मतलब फिर बैक पेन तो हुआ ही नहीं होगा? बैक पेन नहीं हुआ, लेकिन ये सुपर लग्जरी है, इसे आप स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं चला सकते, इसे आप लग्जरी का मजा लीजिए इसे। हाँ, मगर ये भागती भी है, पावर है इसके अंदर। 170 तक मैंने अभी तक चलाई है, 170। तो अभी आप लोग देख रहे हो ये इतने सारे कंट्रोल्स, यहाँ पर भी कंट्रोल्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका कंट्रोल्स का क्या क्या काम है? ये वॉल्यूम कंट्रोल है, रेडियो है, एफएम है, ये रिवर्स गियर है, ये विंडशील्ड अप डाउन होती है, ये अपर डिपर है, और बाकी अदर फंक्शन है। क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल, तो क्रूज कंट्रोल में आपने अब तक, मतलब जो वो बैंगलोर वाली राइड में आपने क्रूज कंट्रोल कितनी बार किया होगा? एक बार किया था, एक ही बार। सोते वो तो नहीं, लेकिन चलाने से ज्यादा पीछे बैठने वाले को मजा आता है। वो बात है, आप बैठ के बताइए कैसा फील आ रहा है? फुल कंफर्ट, इतना इतना कंफर्टेबल मैंने, मतलब घर के सोफे में भी नहीं आता होगा। मतलब समझ सकते हो आप इसको, अगर टूरर, मतलब अलग ही लेवल है यार, कसम से फुल अलग लेवल है। अपने चैनल के बारे में कुछ बताता हूँ, तो आई एम अ मोटो व्लॉगर, बेसिकली मोटो व्लॉग्स करूँगा, लेकिन ये एनटॉक के ऊपर मेरे सारे मोटो व्लॉग्स होंगे, एंड नॉट एनटॉक ओनली, बाकी होंगे जो होंगे फ्यूचर में होंगे, तो वो देखा जाएगा। तो अगर आप लोग एनटॉक यूज है या एनटॉक खरीदना चाहते हो एंड इसके बारे में जानना चाहते हो जो प्रॉब्लम्स ये देती है, तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को और थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो एनटॉक के प्रॉब्लम के ऊपर है, वो स्पेशली देखना बनता है, तो वो भी इन फ्यूचर आ रहा है, नेक्स्ट वीक आएगा। उसके लिए बेल आइकन दबाना है, उसके पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबा सकते हो। लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ, एंड होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो गिव अ थम्स अप बटन, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड ड्राइव सेफ, वेयर हेलमेट, और बस अपनी जान की परवाह करो, गाड़ी स्लो चलाओ, योर मॉम इज वेटिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय। तो मैं एक्चुअली एक चीज बोलना भूल गया था, अगर आप लोग 10th या 12th से हो, डू वन फेवर, ज्यादा स्ट्रेस मत लो अपने एग्जाम्स का, मुझे
बस इतना ही बोलना चाहूंगा, स्ट्रेस मत लो एंड कुछ ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, अपने पेरेंट्स के ताने नहीं मिलने सुनने मिलेंगे और बस अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। अच्छा कॉलेज कुछ नहीं होता, वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे होने चाहिए एंड टीचर्स, और कुछ नहीं होता। अच्छा कॉलेज भाई वो जो प्रिंसिपल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो भाई सारे कॉलेज अच्छे हैं। अगर वो अच्छे नहीं है तो कॉलेज अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट कि कॉलेज का लेना देना कुछ नहीं है, वहाँ के टीचर्स एंड उनके स्टूडेंट्स से लेना देना होता है, और कॉलेज का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सो इतना स्ट्रेस मत लो, इतना टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला, बस पास हो जाओ एंड बाकी सब सॉर्ट हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, यू आर डूइंग वेल एंड यू विल डू वेल। सो या बस आज की वीडियो लेके इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ, वहाँ से एफर्ट्स नहीं आ रही, कुछ नहीं है तो वो कुछ बोलती क्यों? मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ, वहाँ से एफर्ट्स नहीं आ रही।